इस वीडियो में हमने डाटा संचार की शब्दावली में पहला चैनल, दूसरा बॉड या तरंग गति, तीसरा बैंडविड्थ और अंतिम में फ्रीक्वेंसी जैसे टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा की है। इन शब्दों का समझना डाटा संचार के मूल असामान्य तत्वों को समझने में मदद कर सकता है। एक चैनल एक माध्यम है जिसके माध्यम से डाटा जानकारी एक भेजक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रसारित किया जाता है। अब हम दो प्रकार के चैनल पर चर्चा करेंगे, वाइड चैनल और वायरलेस चैनल। वाइड चैनल वे चैनल हैं जो एक विधि माध्यम के द्वारा डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। धातु की तार के इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होते हैं और यह एक गाइडेड मीडिया की एक रूप है। और दूसरा है वायरलेस चैनल। बिना शारीरिक लिंक स्थापित किए बिना वायरलेस ट्रांसमिशन एक गुणहीन मीडिया की एक रूप है। वायरलेस संचार में दो या अधिक उपकरणों के बीच कोई भौतिक लिंक नहीं होता है। उदाहरण के रूप में रेडियो प्रसारण, RF, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, माइक्रोवेव और ब्लूटूथ शामिल हैं। ये सभी बिना तार या केबल के डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और वायरलेस चैनल एक बड़ी गति से विकसित हो रहे हैं जिनका उपयोग संचार, संचारण, इंटरनेट पहुंच और अन्य आपूर्ति और परिवहन के क्षेत्र में किया जाता है। BD एक नेटवर्क में डाटा की प्रतीक दर मॉड्यूलेशन दर को मापने की मात्रा है जो प्रेषक और प्राप्तक बीच डाटा की गति को नापती है। बोर्ड की मात्रक होती है BD, 1 बोर्ड = 1 बिट सेकंड होता है। उदाहरण के लिए 1 सेकंड में 100 बोर्ड का डाटा प्रसारित किया गया है जिसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में 100 प्रतीक प्रसारित किए गए हैं। बैंडविड्थ एक चैनल की इकाई समय प्रति डाटा ले जाने की क्षमता है। बैंडविड्थ एक दिए गए पथ पर डाटा स्थानांतरित करने की अधिकतम दर होती है। बैंडविड्थ की मात्रक होती है हर्ट्ज में। बैंडविड्थ चैनल की लंबाई पर निर्भर करती है, जिसमें ज्यादा बैंडविड्थ होता है उसमें अधिक थ्रूपुट होता है। थ्रूपुट वो डाटा होता है जो संग्रहण साधनों में प्राप्त किया जा सकता है और संग्रहण माध्यम में लिखा जा सकता है। आखिरी तौर पर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिग्नल द्वारा प्रति इकाई समय में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या है। बैंडविड्थ एक दिए गए पथ पर डाटा स्थानांतरित करने की अधिकतम दर होती है। फ्रीक्वेंसी की मात्रक होती है हर्ट्ज प्रति सेकंड, हर्ट्ज सेकंड में। F = 1T।